हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्टॉक मार्केट का एनालिसिस और साथ ही साथ जानेंगे कि क्या हो सकता है निफ्टी फिफ्टी में अगर वो अपना नियर टर्म सपोर्ट 19,250 को ब्रेक कर देता है साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आपको अपनी रडार पे रखने चाहिए और करेक्शन के टाइम पे इन पर्टिकुलर स्टॉक्स पे एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए फॉर दी बाइंग लेवल्स सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट दी सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो रिसेंटली हमने अपने चैनल पे वीडियो रखी है इन रिलेशन टू न्यू आईपीओ अलर्ट जिसका नाम है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज और क्या आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं आप इस वीडियो को भी एक बार जरूर जाके देखिए बात करें आज के स्टॉक मार्केट की तो आप देख सकते हैं जो निफ्टी फिफ्टी था वो रफली अपने टॉप के लेवल से 55 पॉइंट्स आज नीचे बंद हुआ है और 0.28 परसेंट की नेगेटिव क्लोजिंग दी है सेंसेक्स में आपको सिमिलर एक्शन देखने के लिए मिला 202 पॉइंट्स नेगेटिव एंड ऑन परसेंटेज टर्म्स 0.31 परसेंट ये भी डाउन था निफ्टी बैंक हाउएवर काफी हद तक स्टेबल रहने की ट्राई कर रहा है और निफ्टी आई में आज एक मेजर क्रैक आपको आता हुआ दिखाई दिया है ग्लोबल सेलिंग प्रेशर ड्यू टू दी ग्लोबल मार्केट आप जानते हैं न्यूज आई थी यूएस में इन रिलेशन टू द मॉर्टेज जहां पर यूएस के मॉर्टेजेस पिछले लास्ट टू डी के हाइएस्ट एवर प्राइसिस पहुंच चुके हैं जिसके वजह से जो प्रॉब्लम है वो आपको यूएस मार्केट में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है नाउ बात करें अगर फॉरन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की ट्रेडिंग एक्टिविटी की तो आप देख सकते हैं आज के दिन भी एफ आई आई नेट सेलर्स रफली और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है उन्होंने बाय किया है नेट थ्री हंड्रेड थर्टी नाइन करोड़ रूपीज नाउ वी हैव डिस्कस दिस की जो फॉरन इंस्टीट्यूशन है वो एक काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाने में हवे ये जो पूरा हफ्ता था निफ्टी फिफ्टी में जो भी निफ्टी की ट्रेडिंग आप कह लीजिए वहां पर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की आपको सिर्फ सेलिंग देखने के लिए मिली है एक्सेप्ट वन डे जब जी पार्टनर्स ने 8.1 परसेंट का स्टेक बाय किया अदानी पावर के स्टॉक्स में और साथ ही साथ देर वॉज रिपोर्ट दैट अदानी पोर्ट के शेयर्स में भी एक बल्क डील आपको होते हुए दिखाई दी उस दिन सिर्फ एफ का डेटा पॉजिटिव था बट अगर आप देखें तो अभी भी एफ की तरफ से भी एक प्रेशर आता हुआ आपको दिखाई दिया है मार्केट में जिसके वजह से अभी भी जो निफ्टी फिफ्टी है वो अपने के पास करता हुआ, दिखाई दिया है। सीधा मैं आपको सिमिल बताया था लास्ट टाइम भी आपको आपके साथ मैंने ये लेवल्स डिस्कस कर रखे हैं जो निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स है वो अभी अपने काफी क्रूशल सपोर्ट के पास आके खड़ा है जो है नाइनटीन का राइट right? अगर 19,250 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो आपको यहां पे एक मेजर सेल ऑफ देखने के लिए मिल सकता है निफ्टी 50 के इंडेक्स में फॉर दी लेवल ऑफ 19,000 18,850 एटीन एज वेल नाउ दिस इज दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू टू बी कॉशियस इन मार्केट और मैं ये नहीं चाहता कि आप अपना पैसा टॉप लेवल्स पे लगाए या मार्केट का करेक्ट होने का वेट ना करे या परफेक्ट लेवल को ब्रेक होने का वेट ना करे और अपना पैसा इन्वेस्ट स्टार्ट कर दे आप देख सकते हैं ये जो ऊपर की टॉप लाइन जो मैंने बना रखी है ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं जो निफ्टी है इस पर्टिकुलर लाइन पे लोअर हाई एंड लोअर लोज बनाने की तैयारी कर रहा है विच शोज इट्स अ नेगेटिव ट्रेंड राइट जैसे हमने हायर हाई हायर लोस की बात की थी इन आर प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे जो निफ्टी का चार्ट था वो ऊपर गया फिर इसने एक लो बनाया फिर इसका जो नेक्स्ट हाई था वो प्रीवियस हाई से ऊपर आपको देखने के लिए मिला और जो नेक्स्ट लो था वो प्रीवियस लो से ऊपर आपको देखने के लिए मिला इट इज अ पॉजिटिव ट्रेंड का साइन हाउवर अगर आप यहां पर देखें तो जो निफ्टी ने हाई बनाया था नाइनटीन का उसके बाद इस पर्टिकुलर uh, निफ्टी ने अपना हाई क्रॉस नहीं किया है निफ्टी फॉल हुआ इसने प्रिव... अपना लो बनाया 19,600 का उसके बाद ऊपर गया इसने हाई बनाया 19,800 रफली जो अपने प्रीवियस हाई से नीचे था और उसके बाद इसने एक और लो बनाया विच वाज 19,300 जो इसके प्रीवियस लो से भी नीचे था और अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर 19,250 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो ये एक कन्फर्मेशन हो जाएगा कि निफ्टी एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट करने वाला है और यहां से आपको स्टॉक मार्केट और करेक्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है इसीलिए यू हैव टू बी कॉशियस और अगर आपके पास स्टॉक्स है शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए तो और अगर आपका उनमें प्रॉफिट है तो आप अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दीजिए और अपने स्टॉप लॉसेस को प्लीज मेंटेन करके चले इन द इन द स्टॉक्स राइट अब बात करूं मैं आज के मार्केट की डाउजोस के इंडेक्स की जो अभी रिसेंटली खुला है अराउंड सेवन ओ आप देख सकते हैं नीचे के लेवल से यहां पे एक रिकवरी देखने के लिए मिल रही है और अभी के टाइम पे 27% सेवन अप मार्जिनल अप दिख रहा है हमें डाउजोन्स का इंडेक्स सिमिलरली अगर मैं आपको इसको डे चार्ट पे दिखाऊं तो जो डाउजोन्स का इंडेक्स है वो भी अपने 100 डेज मूविंग एवरेज 34,200 से सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा है जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं और ये दिखा रहा है कि एट प्रेजेंट नीचे के लेवल से यहां पर एक बाइंग आते हुए दिखाई दे रही है नाउ जो डाउजोन्स है वो पॉजिटिव होगा अगर वो थर्टी थाउजेंड के लेवल के ऊपर निकलता है ये पर्टिकुलर लेवल अगर इस पर ब्रेक होता है तो देर आर हाई चांसेस कि ये जो डाउजोन्स है वो पॉजिटिव हो जाएगा जो ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट्स से, है वो थोड़े बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे और इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है इंडियन मार्केट में और निफ्टी फिफ्टी के इंडेक्स में वो भी वहां से नाइनटीन से सपोर्ट लेकर रिकवर कर सकता है However, अगर ग्लोबल मार्केट अगेन टूवर्डी एंड ऑफ द नाइट प्रेशर में जाता है और नीचे का लेवल तोड़ता है 34,200 का फर्दर यहां पे आपको का नीचे जाता हुआ दिख सकता है 33,000 ये जो 33, जो लेवल है 33,700 टू हंड्रेड डेज मूविंग एवरेज जिसके वजह से आपको निफ्टी भी आने वाले टाइम पे गिरता हुआ दिखाई दे सकता है नथिंग इज सर्टेन इन द मार्केट ऐसा भी हो सकता है मार्केट यहाँ से रिकवर कर ले क्योंकि जो आज की कैंडल बनी है अपने निफ्टी फिफ्टी के इंडेक्स में आप देखेंगे एक डोजी टाइप बनी है जहां पे ऊपर से भी प्रेशर आ रहा है नीचे से भी बाइंग आ रही है एंड देर आर हाई चांसेस कि ये अगर अब ऊपर के वे ऊपर जो आपका लेवल है 19,500 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दे तो अगेन यहां से पॉजिटिव टर्न ले लेगा और अगर यहां पे ये लेवल नीचे का ब्रेक कर दे तो यहां पे हम नेगेटिव साइड के लिए चले जाएंगे प्रीवियसली हमने कल के दिन वीडियोस बनाई वीडियो बनाया था और आपके साथ डिस्कस किया था कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक राइट सिमिलर टाइप ऑफ कैंडलस्टिक आपको देखने के लिए मिलेगी आज के दिन डाउ जोन्स डाउ जोन्स नहीं सॉरी निफ्टी फिफ्टी में जो है स्पिनिंग स्पिनिंग बॉटम एंड टॉप टॉप आप देखेंगे ये पे बनी है तो हम इसे स्पिनिंग टॉप बोलेंगे और अगर आप निफ्टी देखें तो वहां पे बॉटम पे बनी है तो हम इसे स्पिनिंग बॉटम भी बोल सकते हैं तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे क्लियरली दर्शा रहा था कि ये एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है और जैसे ही ये पर्टिकुलर स्टॉक ये लो 217 का लो तोड़ता है देर आर हाई चांसेस कि आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में फॉल देखने के लिए मिलेगा और यही होता हुआ दिखाई दिया और मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक से कंप्लीटली एग्जिट कर लिया है नाउ नेक्स्ट थिंग इज अगर आपने इस पर्टिकुलर स्टॉक स्टॉक को होल्ड कर रखा है आर चांसेस कि ये करेक्ट होता हुआ आपको 200 के लेवल पे मिले और अगर 200 लेवल भी ये सस्टेन नहीं करता है तो फर्दर आपको ये 20 डेज मूविंग एवरेज यानी कि एक सौ के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है अगेन स्टॉक इज गुड फॉर द लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव और मुझे लगता है कि अगर ये अपना प्राइस एक्शन फॉर्म करे साइडवेज यहाँ से हो जाए कुछ दिन के लिए और उसके बाद यहाँ पे जैसे इसने बॉक्स पैटर्न बनाया था उसके बाद एक ब्रेकआउट दे ऑन द लेवल अब 223 ट्वेंटी थ्री यहां पर एक और अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है तो प्लीज मेकश्योर कीजिए कि जो आपके लेवल्स है वो मेंटेन रहे आपके स्टॉप लॉसेज इंटैक्ट रहे और आपकी जो एंट्री है वह भी अगर आपको हाई प्राइस पे करनी पड़े आफ्टर द ब्रेकआउट ही एंट्री को लीजिएगा दैट इज इट बात करें आज के दिन एम्बर इंटरप्राइज की जो हमने कल डिस्कस किया था और आप देखें एम्बर इंटरप्राइस में जैसे ही ये पर्टिकुलर स्टॉक प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है जो था इसका 2875 एक मैसिव 100 पॉइंट्स की रैली देखने के लिए मिली फॉर द लेवल ऑफ 2987 अगेन ड्यू टू द मार्केट प्रेशर जो स्टॉक है वो ऊपर से करेक्ट होता है वहां हमें दिखाई दिया और अपने टारगेट को अचीव करके रफली टेन पॉइंट मिस किया है इसने अपना टारगेट वहां से पॉल होना स्टार्ट कर दिया दिस इज ऑल ड्यू टू द मार्केट प्रेशर और मुझे लगता है कि यह पर्टिकुलर स्टॉक आने वाले टाइम पे आपको वापस ट्वेंटी सेवन हंड्रेड के लेवल चेक करता हुआ दिखाई दे सकता है या फर्दर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी फाइव तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बुक योर प्रॉफिट आपको लगता है कि अगर आपके स्टॉक में अच्छा प्रॉफिट बन गया है तो प्लीज मेक श्योर टू बुक इट एज वेल चलिए अब बात करते हैं दो ऐसे स्टॉक की जो मुझे करेक्शंस पे अच्छे लगते हैं और करेक्शंस पे मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है तो पहला है रिलायंस इंडस्ट्रीज ये पर्टिकुलर स्टॉक है जिसमें हमने एस करने की भी बात की थी और हम इस पर्टिकुलर स्टॉक को ट्वेंटी के लेवल से ट्रैक करते हुए आ रहे हैं अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी ज्यादा रूम है आफ्टर जियो फाइनेंशियल जो डीमर्ज हो चुका है और ट्वेंटी फर्स्ट अगस्त को लिस्ट होने वाला है तो यहाँ पे रिलायंस का स्टॉक अगर हम लें तो आप देख सकते हैं रिलायंस ने एक काफी अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया ऊपर से 2600 के पास इसका रेजिस्टेंस था और अब ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है अगर आप क्लोजली देखें तो ये जो 20 डेज मूविंग एवरेज की लाइन है यहां पे सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया है ये जो रेड लाइन है यहाँ पे सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया है और नीचे के साइड अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है तो 2500 का एक काफी अच्छा स्ट्रॉग सपोर्ट लगता है मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज पे और आने वाले टाइम पे मुझे लगता है ये पर्टिकुलर स्टॉक ईजिली ट्वेंटी सिक्स के टारगेट्स अचीव करेगा उसके बाद क्रॉस करके ट्वेंटी एंड थ्री के लेवल तक भी ये पर्टिकुलर स्टॉक जाने का दम रखता है काफी अच्छा एक्शन फॉर्म हो रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में सिमिलरली आप देखे तो जो एमएससीडी है वो यहाँ पे भी क्रॉस ओवर होने की तैयारी कर रहा है अगर ये स्टॉक ये जो लेवल है आपको मैं बता देता हूं दिस पर्टिकुलर लेवल द लेवल ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे एक तरफा तेजी आपको देखने के लिए मिल सकती है 2610, 2620 टेन के लिए जो सेकंड स्टॉक है जो मुझे करेक्शन पे अच्छा लग रहा है वो है एच डी बैंक का काफी बुलिश हूं मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में बिकॉज अभी भी इधर काफी ज्यादा वैल्यू बची है और आप देखिए जो स्टॉक है अपने डिमांड जोन पे है एवरी टाइम इट कम्स अराउंड द लेवल ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड फिफ्टीन हंड्रेड एटी आप देखिए यहां पे एक बार सपोर्ट लिया और उसके बाद यहां पे दो बार सपोर्ट लिया यहां पे तीसरी बार भी सपोर्ट लेके ऊपर गया था और अभी भी मुझे लगता है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है एक मस्ट हैव स्टॉक है अपने पोर्टफोलियो में पिछले दो साल से ज्यादा भागा नहीं है काफी ज्यादा वैल्यू अनलॉक हो सकती है इस पर्टिकुलर स्टॉक में आने वाले सालों में तो ये मेरा लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में वन ऑफ दी फाइनेस्ट स्टॉक मुझे लगता है वो है एच बैंक का और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक आने वाले टाइम पे मोर देन टू थाउजेंड रुपीज के टारगेट आपको अचीव करके दे सकता है अगेन नथिंग इज ओवरनाइट आपको स्टॉक्स में बना रहना पड़ेगा आपको स्टॉक्स को एनालिसिस करना होगा और स्टॉक को टाइम देना होगा ऊपर जाने का तो इसीलिए मुझे एच डी एफ सी बैंक भी काफ़ी अच्छा स्टॉक लगता है करंट लेवल्स पे एक अच्छी डिफेंसिव बेट हो जाती है ज़्यादा भागा हुआ स्टॉक नहीं है तो करेक्शन के भी कम चांसेस है एच डी एफ सी बैंक में एज वेल एज एच यू एल के स्टॉक में एच यू एल को भी मैं आपको दिखाऊँ तो मुझे एच यू एल का जो स्टॉक है हिंदुस्तान ये काफ़ी अच्छा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स है जो कंज्यूमर स्पेस में बढ़ चुके हैं राइट बट जो आप एच डी एफ सी का स्टॉक आपको मैं मंथली चार्ट पे कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आप देखिए ये मंथली चार्ट है एच डी एफ सी बैंक सॉरी एच यू एल का और जो एच यू एल का स्टॉक है ये पिछले आप यूं समझ लीजिए टू थाउजेंड ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी से इस पर्टिकुलर रेंज में ही अटका हुआ है और ये पर्टिकुलर स्टॉक इस रेंज को जिस दिन तोड़ेगा मैसिव वॉल्यूम आर चांसेस कि यहाँ पे आपको जल्दी तीन हजार तीन हजार दो सौ तीन हजार तीन सौ के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं तो ये थे तीन स्टॉक जो मुझे अच्छे लग रहे हैं इन अलाज के आप कैटेगरी और यहां पे अच्छी वैल्यू भी बची है अभी के टाइम पे बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक्स ने काफी रन अप नहीं दिया है और रिस्क भी काफी कम हो जाता है अगर मार्केट में फर्दर डाउन ट्रेंड्स देखने के लिए मिलते हैं आई होप आई वॉज एबल टू गिव यू गुड ओवरव्यू ऑफ दीज स्टॉक्स एज वेल एज वॉट इज हेपनिंग इन द स्टॉक मार्केट और अगर स्टॉक मार्केट में निफ्टी टू नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी ब्रेक कर देता है तो आपको यहाँ पे एक डाउनवर्ड जर्नी के लिए तैयार होना होगा जो लेके जा सकता है मार्केट को 19,000 के लेवल तक अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको मार्केट से कंप्लीटली एग्जिट करना है दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन कि यहाँ पे थोड़े बहुत करेक्शन देखा जा सकता है और उसके बाद एक निफ्टी साइडवेज होके एक नया अपट्रेंड स्टार्ट कर दे बट अभी के लिए मार्केट में थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज है थोड़ी सी नेगेटिविटी है तो प्लीज बी कॉशियस और कॉशियसली ही अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करें या किसी पर्टिकुलर स्टॉक में पोजिशन बनाए डिस्क्लेमर ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है मैं आपके साथ अपने ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ और अगर आपको किसी भी शॉट का इन्वेस्टमेंट करना है तो फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेक श्योर टू हिट दि सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो That's it, thank you, happy investing.